अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो है ना वो लंच के लिए मतलब कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ, अक्सा के लंच के लिए और हस्बैंड के लंच के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक दिन पहले बनाई थी और नेक्स्ट डे जो है वो अक्सा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था। तो आज का ब्लॉग जो है वो दो दिन का ब्लॉग होगा। अच्छा, तो अभी जो है वो अक्सा 3 क्लास में आ गई है, तो उसकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है। लाइक वो मतलब 1 o'clock तक जो है वो स्कूल में रहेगी। तो जस्ट एक दिन होगा जब वो मतलब 12:15 बजे तक रहेगी, अदरवाइज़ वो 1 o'clock तक ही रहेगी। तो थोड़ा सा लंबा टाइम है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ तैयारी करके रख लूँगी ताकि थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें लेके जाए जो थोड़ी सी फुलफिलिंग हो। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रोज़न पराठा। तो यहाँ पे इजीली इतने अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने सोचा कि मैं घर में ही बना देती हूँ। मैंने पहले भी बनाए थे, रेसिपी भी शेयर की थी। तो अभी जस्ट मैं आपको जो है वो थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। और मैंने जो है ना वो छोटे छोटे बनाए थे और साथ में जो है वो बटर पेपर की जो शीट्स हैं वो इस तरह से कट कर दी थी। तो बस इस तरह से मैं ऑयल लगाती जाऊँगी और इनको जो है वो रखती जाऊँगी, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जो है वो जिप लॉक में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। और पराठा जो है ना वो मतलब एक हेल्दी ऑप्शन है, और इसमें मैंने जो है ना वो होल वीट भी यूज़ किया था और थोड़ा सा जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लोर भी यूज़ किया था। मतलब सिर्फ जो है ना वो मैदे के नहीं बनाए थे, तो दोनों फ्लोर मैंने यूज़ किए थे ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। और इसको आप मतलब चीज़ वगैरह डाल के भी दे सकते हैं, और साथ में अगर आप रोल पराठा बनाना है तो वो भी बना के दे सकते हैं, अंडे के साथ या कबाब के साथ। और मैंने छोटी छोटी साइज़ बनाई थी क्योंकि बस बच्चे जो है ना वो इतना सा ही खाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए थे, और साथ ही मैंने जो है ना वो कबाब चढ़ा दिए थे कि मैंने कहा कि मैं शामी कबाब बना दूंगी क्योंकि मुझे हस्बैंड को भी लंच देना होता है। तो कबाब जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, इसके साथ आप सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बन हो गया या रोल पराठा अंडे के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, तो ये जो है ना बहुत ईजी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है, कुछ मैंने बोन्स वाली ली थी और कुछ जो है वो बोनलेस ली थी। और बस इसमें मैंने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और प्याज डाल दी थी, और एक बाउल जो है मैंने चने की दाल का डाल दाल को दिया मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि वो जल्दी से गल जाए। और बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ शान का शामी कबाब मसाला। तो मैंने हाफ पैकेट यूज़ किया था, बस और कोई मसाला नहीं डाला था, बस यही डाला था। और साथ में जो है वो नमक डाल दिया था, बस इसको मैंने चढ़ा दिया था ताकि ये भी जो है वो बनते रहेंगे और साथ साथ मैं दूसरे काम भी करती रहूँगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स। तो चिकन नगेट्स जो है वो मतलब लंच के लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है और बच्चों को पसंद भी होते हैं। अक्सर इतने शौक से नहीं खाती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ और ट्राई करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं तो एक जो है वो उसको लंच में दे दिया करूँगी। तो सबसे पहले मैंने वाइट ब्रेड ले ली है, उसके जो है मैंने 3 स्लाइसिस लिए थे और बस उसको जो है वो ग्राइंड कर लिया था, और अब मैं इसमें जो है वो चिकन डाल दूँगी। चिकन यहाँ पर बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, नगेट्स में यही यूज़ होती है। और अब मैं इसमें जो थोड़ी बहुत स्पाइसेस चाहते हैं वो डाल दूंगी, नमक डाल दिया था मैंने और ब्लैक पेपर डाल दूंगी और थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको भी जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और बस इसको थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा स्मूथ करने से फिर जो है ना वो नगेट्स मतलब बनाना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बहुत ही मतलब स्टिकी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया था, और अब बस मैं इसको जो है वो एक बटर पेपर पे मैंने फैला दिया था ऑयल लगा के। तो अब मैंने यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा कुकी कटर जो है ना वो यूज़ किया है, तो इस शेप में जो है ना मैं इसको जो है वो कट करती जाऊँगी नगेट्स को। और बस उसके बाद मैंने जो है वो इनकी कोटिंग करनी है, तो मैंने अंडा ले लिया था, ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, तो बस अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स के साथ इनकी कोटिंग करती जाऊँगी। तो बस ये सब करके जो है वो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको मैं जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अभी मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो सबसे पहले मैंने प्याज ले ली थी, हरा धनिया, मिर्ची ले ली थी, इनको चॉप कर लिया था। अच्छा, इनको चॉप करके मैंने निकाल दिया था बाउल में, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो शामी कबाब का मिक्सचर दोबारा से इसमें डाल के जो है वो ग्राइंड किया था, क्योंकि एक साथ नहीं करती ये जो थोड़ी थोड़ी मतलब प्याज और हरा धनिया हरी मिर्चें आ रही होती हैं ना कबाब में, तो ये अच्छा लगता है। तो बस इनको जो है मैंने चॉप करके निकाल लिया था। तो यहाँ पे दाल और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी थी, तो कुछ जो बोन्स वाले पीसेस थे उसमें से मैंने बोन्स अलग कर दी थी, और बस बाकी तो बोनलेस ही थी। तो बस इनको भी जो है मैंने चॉपर में डाल के जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया था शामी कबाब का। अब बस अंडा डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था तो वो मैंने डाल दिया था।
तो बस इनको जो है वो हाथ से ही अच्छे से मिक्स करूँगी और कबाब बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। अच्छा, कबाब मैंने जो है ना कुछ बड़े साइज़ में बनाए थे और कुछ छोटे साइज़ में बनाए थे। तो जो बड़े साइज़ में बनाए थे वो बर्गर वगैरह में मतलब काम आ जाते हैं, उसके लिए सही रहते हैं, और छोटे वाले फिर सैंडविच वगैरह बनाना हो तो उसके लिए सही रहते हैं। तो बस यहाँ पे नगेट्स, पराठे सब रेडी थे। अब ये अच्छे से जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको मैं जिप लॉक बैग्स में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे का क्लिप है, और अक्सा का मतलब स्कूल डे था, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था उसका। तो बस उसको मैं नाश्ता दे रही थी, और नाश्ते में बस उसको मैंने थोड़े से चोकोस दिए थे दूध में डाल के, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह उठ के खाना। तो बस ये जो है वो थोड़े से खा लेगी, और बस साथ साथ जो है मैं लंच बनाती जाऊंगी अक्सा का और हस्बैंड का। तो मैंने फ्राइज़ रख दिए थे एयर फ्रायर में थोड़े से, और आज मैं उसको जो है वो चीज़ पराठा देने लगी हूँ। तो बस पराठे को मैंने सेक लिया था अच्छे से, और उसके ऊपर जो है वो अब थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी। तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने वो डाल दी थी, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से एक साइड पे मैं चीज़ डाल दूँगी, और बस दूसरी साइड इसी के ऊपर जो है ना फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से छोटा सा हमारा जो है ना वो पिज़्ज़ा पराठा रेडी हो जाएगा, और हेल्दी ऑप्शन भी है, मतलब इसमें फ़ैट भी है, कार्ब भी है, सब कुछ है, तो बच्चों के लिए जो है ना वो हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, तो फ्राइज़ रेडी हो गए थे और पराठा भी रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने साथ में एक नगेट भी फ्राई किया था, साथ ही मैं उसमें थोड़े से जो है वो क्यूकम्बर रख दूँगी और थोड़े से फ्राइज़। तो बस यहाँ पे अक्सा का लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने बर्गर बंस जो होते हैं वो ले लिए थे। एक में मैंने केचप लगा ली, दूसरी साइड मैंने मायो लगा लिया था, और इसके लिए मैंने शामी कबाब जो है ना एक फ्राई कर लिया था, और साथ में जो है वो कुछ सैलेड कट कर दिया था। तो बस अभी सारी चीज़ें डाल के जो है वो एक अच्छा सा बर्गर रेडी कर लूँगी। तो ये हस्बैंड का लंच भी रेडी हो जाएगा, और बस अक्सा का लंच पैक कर दिया था मैंने, अभी मैं उसके बैग में डाल रही हूँ। अच्छा, आज उसको ले जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, और उसकी क्लास भी ना अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब थर्ड फ्लोर पे है। तो आज मैंने उसको कहा था कि मतलब कुछ चीज़ें आज ले जाए और कुछ चीज़ें जो है वो कल ले जाए। तो सारी जो कॉपीज़ वगैरह थी वो तो बैग में आ गई थी, और बाकी जो कुंस्ट का सामान था तो वो मैंने कहा कि कल ले जाना, आज जो है वो सिर्फ बैग ले जाओ, मतलब वो फिर सारी चीज़ें उधर रख के आ जाएगी। तो बैग जो है वो कल हल्का हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें जो है वो कल ले जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अक्सा को वापसी में पिक कर लिया था, और उसका जो है ना वो फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा, बहुत एक्साइटेड थी वो, अपनी न्यू टीचर से भी बहुत खुश थी कि हमारी टीचर जो है वो बहुत अच्छी है, जिस तरह हम लोग भी एक्साइटेड होते थे, मतलब छुट्टियों के बाद हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होती थी। तो बस अक्सा भी उसी तरह से हैप्पी हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।